हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और फिर हम देखेंगे कि उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपको अगर अपने बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जनरल रीडिंग से आपको गाइडेंस पूरी तरह से नहीं मिल रही है या ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपसे रेजोनेट उतनी नहीं कर रही है, तो आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग ले सकते हैं जो आपके नाम से होती है और उसी से आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। और अगर बात नहीं हो रही है तो कब तक बात होगी, क्योंकि कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े कि मैम कलेक्टिव रीडिंग काफ़ी लोगों से रेजोनेट कर रही है बट हमें कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। तो ये कलेक्टिव है गाइज, ये आप में से किसी के भी नाम से नहीं है, ये हम कलेक्टिव एनर्जीज पिक करके रीडिंग करते हैं। तो कलेक्टिव रीडिंग इज़ डिफरेंट, पर्सनल रीडिंग इज़ डिफरेंट। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो वो आपके नाम से होती है, आपके पर्सन के नाम से होती है, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप राइट पाथ पर हैं, आप रॉन्ग पाथ पर हैं, आपका पर्सन वापस आने वाला है या नहीं आने वाला है, आने वाला है तो कब तक आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है और टैरो विद एम सिंह पे भी एवरी मंडे नंबर आता है, तो आप जब चाहें अपनी पर्सनल रीडिंग से अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कलेक्टिव रीडिंग में आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो 100% ईच एंड एवरी पर्सन से रेजोनेट करे, तो ये तो भगवान की इच्छा है। अगर आप भगवान पर बिलीव करते हैं तो भगवान आपकी प्रार्थना ज़रूर पूरी करेंगे। और अगर यहाँ पर चीज़ें आपको डीले लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही हैं, आपको अपने बारे में जानना है, इच्छा है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, देखते हैं कलेक्टिव रीडिंग्स क्या निकल कर आती हैं। ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी कैसी चल रही है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पर्सन, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है क्राउन चक्रा, अप्रिशिएशन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डोर टू स्पिरिट, थ्री मोर कार्ड्स, वॉकिंग अवे, फर्स्ट चक्रा, लास्ट कार्ड एंजल्स। ओके, वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द थिंकिंग मैन। तो देखिए, कलेक्टिव एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मिस करते हैं आपको या करती हैं आपको। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये जैसे आपके माइंड में 24/7 आपके पर्सन की एनर्जी रहती है। कई बार आप लोग पूछते भी हैं कि मैम हमारे पर्सन वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो हमारे दिमाग से क्यों नहीं निकल रहे हैं, हम उनके बारे में इतना क्यों सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये भी आपको एनर्जी सेंड करते हैं, इसीलिए आपके दिमाग से ये चीज़ें नहीं निकलती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ वन साइडेड नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन आपको पता है आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए रिस्पेक्ट है, इमोशंस है, बट कोई मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दूरियाँ हैं, ठीक है, नो डाउट। तो इन दूरियों में आप उनको भूल नहीं पा रहे, आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो ये क्यों होता है? अचानक से आप इनके लिए रोने लगते हैं, अचानक से आप इनको याद करके बहुत ज़्यादा ईगरली आप ऐसा आपको लगता है कि यार बस अब बहुत हो गया, अब बस बात करनी है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ये भी आपको एनर्जी सेंड करते हैं, ये भी आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं और ये भी चाहते हैं ओवरऑल एनर्जी स्कॉर्नोकोपिया।
ये भी चाहते हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाए, सिचुएशन आप दोनों के बीच में बैलेंस हो जाए। बात करें एनर्जी की, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप है, ठीक है, ब्रेकअप सिचुएशन है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आपके तरफ आएं या ना आएं। अगर आते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आया या आई और मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ नहीं आया, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आप फिर नाराज़ हो जाएंगे। आपको फिर ऐसा लगेगा कि यार मेरा पर्सन आया तो बट कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनको नहीं करनी, इनको कोई बचकानी हरकतें नहीं करनी, इनको इमेच्योर बिहेवियर नहीं करना कि यहाँ आपका भी टाइम बर्बाद करें, अपना भी टाइम बर्बाद करें और उसके बाद कह दें यार टाटा बाबा मैं शादी उदी नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये है कि भाई सोच समझ के निर्णय लेना है, पूरे दिमाग से, दिल से, आत्मा से समय लेकर निर्णय लेना है, बट जो निर्णय ले लेंगे उस पर टिकेंगे, ठीक है। तो रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी यहाँ पर है कि मतलब कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि पहला ही कार्ड देखिए यहाँ पर क्राउन चक्रा का आया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब बात आती है आपको किसी तरह का जेस्चर देने की या आपकी तरफ बढ़ने की, तो इनको ऐसा लगता है कि पावर तो है मेरे अंदर, मैं स्टैंड तो ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक रिश्ते को अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए बहुत सारे पहले के रिश्ते तोड़ने पड़े। तो ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस्ड वे में हो, सबको बराबर, सबको बराबर रिस्पेक्ट मिले। हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन हो, बिकॉज़ यहाँ पर रूट चक्रा भी आया है। तो रूट चक्रा रिप्रेजेंट बेसिक नेसेसिटी, या तो फाइनेंशियल रीज़न या फैमिली, गृहस्थी। तो या तो इनकी गृहस्थी में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, या इनके रूट चक्रा मतलब फाइनेंशियली ये इतने अबंडेंट नहीं है। तो ये हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन का रीज़न, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई हुई है। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि आप देखिए यहाँ पर ये दूरी तो बनाए हैं, बट इनकी नज़र जो है आपकी तरफ है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ के ये आपको देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने जो भी मेरा आत्मा है, मेरी सोल है, मैं उससे दूर जा रहा हूँ, क्योंकि इनका दिल नहीं लगता आपके बिना। ये भी नज़र आ रहा है बिकॉज़ इसके बाद नेक्स्ट कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट। इनका दिल आपके पास है, इनके फीलिंग्स आपके लिए हैं, इमोशंस आपके लिए हैं, बट इनको ये नहीं समझ में आता कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। तो ये भी इनको गाइडेंस दी जाती है, डोर टू स्पिरिट की एनर्जी है, इनको पूरी गाइडेंस दी जाती है कि आपकी तरफ आना है, आपके लिए एक्शन लेना है, इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना है। डिवाइन भी इनको आपके ड्रीम्स दिखाते हैं, आपको भूलने नहीं देते हैं, ये बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से निकल कर आई हैं। तो ओवरऑल ये आपके पर्सन की एनर्जी है, मझधार में है, कन्फ्यूजन में है, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग मैन। यही सब सोचते रहते हैं जो मैंने आपको बताया पिछले 8 मिनट में, ये सब इनके दिमाग में घूमता रहता है। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। मिना टिके हुए क्यों हो भाई, थोड़ा डांस करो। हाँ अब अच्छा लग रहा है। तुम इसकी भी गर्लफ्रेंड लानी पड़ेगी, ये भी बड़ा सैड सैड सा है, इसकी गर्लफ्रेंड दूसरे टेबल पे, एक्चुअली वो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड ये होगी, क्योंकि गर्लफ्रेंड ज़्यादा उदास रहती हैं, मतलब गर्लफ्रेंड क्या मतलब गर्ल नहीं हो सकता है, फेमिनिन एनर्जी। जो लोग इमोशनल होते हैं उन्हीं को ज़्यादा कष्ट दिया जाता है, जो लोग लॉजिकल होते हैं उनको और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। चलो इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ, इमीडिएट एक्शन प्लीज गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स, पहला कार्ड है टेम्परेंस, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, ये रीडिंग और ये एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी अगले 25 घंटे तक। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस नंबर 9। नंबर 3,
पार्टनरशिप एंड एलियंसेस, नंबर 7 अगेन क्राउन चक्रा। और कोई कार्ड आना चाहता है? हाँ, इनको तो आना ही है। क्यों आए हो बरगंडी, क्या बताना चाहते हो? बरगंडी आएगा तो लवर्स आएगा, क्योंकि राधे कृष्ण आते हैं तो डेविल आता है, तो यहाँ पर आना ही है इनको। तो देखिए, नेक्स्ट एक्शन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन यूनियन चाहते हैं, यूनियन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ ही नई शुरुआत हो, बिकॉज इनकी विश यही है, इनकी डिज़ायर यही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, वी हैव गॉट 3, 9, 6, 1 + 5 = 6, वी हैव गॉट 3, 9, 6, जो कि फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी को कैरी करता है ये एंजल नंबर। आपने जो भी विशेस मांगी हैं वो फुलफिल करना, तो यहाँ पर 3, 9, 6 की एनर्जी है। देन वी हैव 7, जो कि है स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन जो हैं वो धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं, कन्फ्यूजन से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी रिसीव होंगे। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है बहुत टाइम से सेपरेशन में हो। आपको पेशेंस रखना है, सब्र के साथ रहना है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो, अगर आपको उम्मीद है तो वेट कर रहे हैं ना, अगर उम्मीद नहीं है तब तो वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट अगर उम्मीद है तभी तो आप वेट कर रहे हैं। सो सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। वी हैव 9 एनर्जी ऑल्सो। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो कि कार्मिक हो सकते हैं, पिछले जन्म का बैड कर्म एसोसिएटेड हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, या ये पर्सन मुसीबत में आपको डाल के, या इस रिश्ते में आपको डालकर खुद हारा हुआ फील करें, खुद कॉन्फ्लिक्टेड फील करें, पीछे हट जाएं, बैकआउट कर जाएं, तो ये भी एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि डिज़र्व ही नहीं करता आपके प्यार को, तो वो सीन ही अलग हो जाता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे कार्मिक साइकिल्स रिलीज होंगी, ये भी एनर्जी है 9। तो ये नेक्स्ट एक्शन निकल कर आया है। नेक्स्ट एक्शन में जहाँ पर भी आपको लगता है, आपको फेथ है डिवाइन पर, और आपको विश्वास है कि हाँ डिवाइन की एनर्जी वर्क कर रही है, आप दोनों का प्यार सच्चा है, तो आपको होप नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 6 महीने बाद, साल भर बाद, एक तो बंदी थी जिसका 2 साल उसने पेशेंस रखा हुआ, 2 साल उन्होंने कहा कि वो मेरी रीडिंग्स के बेसिस पर ही होप रखी हुई थी, और उनका यूनियन भी हुआ, और उसी दिन कमिटमेंट भी मिली, और विद इन अ वीक शादी भी हुई। उन्होंने व्हाट्सएप पे फ़ोटो शेयर की, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये डिवाइन का मिरेकल है, इससे कम नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, बाकी डेस्टिनी है ना। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि मैंने एक दो कमेंट्स पढ़े थे ऐसे, इसीलिए मैंने आज बोल दिया क्लियरली, क्योंकि कुछ लोग ऐसे लिखते हैं जैसे कि ये उनकी पर्सनल रीडिंग है, तो दिस इज़ नॉट पर्सनल रीडिंग, दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग गाइस। पर्सनल रीडिंग से ही आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जनरल रीडिंग आपको गाइड करती है कि कलेक्टिव एनर्जी क्या है, किस चीज़ से बचना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, एनर्जी का फ्लो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस फ्लो में किस किस को गुड न्यूज़ मिल जाती है, ये तो भाई डेस्टिनी के हाथ में है ना, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, ठीक है। भगवान सामने बैठे हैं, आप प्रे कर सकते हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को? इसको भी आना है, डेक तो सीधा पकड़ा है मैंने। प्रॉस्पेरिटी एंड क्लियरेंस, ब्रोमस्टिक की एनर्जी है, झाड़ू मारना, बहुत क्लिनजिंग चल रही है आपकी लाइफ से, आपकी पर्सन की लाइफ से, जो भी चीज़ें अनवांटेड है वो क्लियर आउट होंगी, क्लियरेंस की एनर्जी है। देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, एंजल्स आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बैनिशमेंट की एनर्जी में है, सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करना, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुम मेरी ज़िंदगी में आए ही क्यों, अगर तुमको मेरे लिए स्टैंड नहीं लेना था तो मेरी लाइफ क्यों बर्बाद किए, ठीक है। तो इनके लिए देखिए, आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि हमारी लाइफ में वही चीज़ें होती हैं जो हम डिज़र्व करते हैं।
अच्छा होता है तो हम डिज़र्व करते हैं, बुरा होता है तो भी हम डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा होता है जो कि एसोसिएटेड होता है। बिना कर्म के हमें पनिश कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो नेवर ब्लेम, एंजल्स हमेशा कहते हैं, क्योंकि जब हम ब्लेम करते हैं ना तो हम एक और साइकिल क्रिएट करते हैं कर्मा की, और उस साइकिल को अगर हमने इस लाइफ में क्लियर नहीं किया तो हमें अगला बर्थ खाली उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए लेना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव फ्रूटफुल रिजल्ट। बहुत सारे लोगों के सब्र का उनको फ्रूट मिलने वाला है, रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, और यहाँ पर जो भी डेडिकेटेड हैं, जो भी डिवाइन पर फेथ रखे हैं, जो भी अपने गुरु या गाइड पर फेथ रखे हैं, उनको डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर मिल सकती है। यहाँ पर कोई ना कोई एंजल्स, कोई ना कोई स्पिरिट गाइड्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप ट्रस्ट ना खोएं, पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।